सवाल नंबर एक, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए इरेटोस्थनीस, बी हेरोडोटस, सी हिप्पाकर्स, डी हिकेटियस। आपका टाइमर शुरू हो गया। आपका सवालों का सही उत्तर है ऑप्शन डी हिकेटियस। क्वेश्चन नंबर दो, मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कार्ल रिटर, बी जीन ब्रूंस, सी हम्बोल्ड, डी हिप्पाकर्स। आपका टाइमर शुरू हो गया। बोलो बोलो इसका उत्तर क्या है। आपका दो नंबर सवालों का सही जवाब है ऑप्शन ए कार्ल रिटर्स। सवाल नंबर चार, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? आपका ऑप्शन है ए हेटनर, बी जीन ब्रूंस, सी एच एच बैरोज, डी इरोटी स्टनिस। आपका टाइमर शुरू हो गया। आपका इस सवालों का सही उत्तर है ऑप्शन सी एच एच बैरोज। सवाल नंबर चार, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए पेसल, बी डेविस, सी पैंक, डी इनमें से कोई नहीं। आप जानते हैं इसका उत्तर। आपका टाइमर शुरू हो गया। आपका इस सवालों का सही उत्तर है ऑप्शन ए पेसल। सवाल नंबर पाँच, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? आपका ऑप्शन है ए कार्परनिकस, बी केपलर, सी गैलीलियो, डी इनमें से कोई नहीं। आपका टाइमर शुरू हो गया। आपका पांच नंबर सवालों का सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्परनिकस। सवाल नंबर छः, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? आपका ऑप्शन है ए ग्रह, बी उपग्रह, सी पुच्छल तारा, डी ये सभी नहीं है। आपका टाइमर शुरू हो गया। इस महत्वपूर्ण सवालों का सही उत्तर जानने के लिए बिहान जी के नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए जानते हैं इस खास सवालों का सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रह। सवाल नंबर सात, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है? आपका ऑप्शन है ए 12, बी 10, सी 9, डी 8। आपका टाइमर शुरू हो गया। बोलो बोलो इसका उत्तर क्या है। आपका इस सवालों का सही उत्तर है ऑप्शन डी 8। कुल सौरमंडल में 8 ग्रह है। सवाल नंबर 8, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए पुच्छल तारा, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी ये सभी। आपका टाइमर शुरू हो गया। क्या आप जानते हैं तो बताइए प्लीज। आपका आठ नंबर सवालों का सही उत्तर है ऑप्शन सी उपग्रह। सवाल नंबर नौ, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए 12 अगस्त, बी 21 जून, सी 21 जुलाई, डी 21 मार्च। आपका टाइमर शुरू हो गया। क्या आप जानते हैं इसका उत्तर तो
तो बताइए प्लीज। इस खास सवालों का सही उत्तर जानने के लिए बिहान जी के नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए जानते हैं इस सवालों का सही उत्तर है ऑप्शन बी 21 जून। मैं आप सभी से आशा करता हूँ आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए वर्ल्ड का इतिहास का ऑनलाइन टेस्ट पसंद आया होगा। ये सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, जिससे आप अपने दोस्तों की मदद कर पाएँ और आपका दोस्त वर्ल्ड का इतिहास ऑनलाइन टेस्ट देकर अपनी तैयारी मजबूत कर पाए। अगर आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। आपका प्यारा बिहान जी का नॉलेज यूट्यूब चैनल। जय हिंद।